प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के बागला आयु शक्ति आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे IBS के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में पेचिस और आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो जाती है, आपको पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, बदहजमी हो जाती है, बार बार दस्त जाना पड़ता है या कब्जी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को, अगर आपको ये सारी समस्या है तो इसे हम IBS कहते हैं। अब ये क्यों हो जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी अनियमित दिनचर्या, यानी कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, या आप टाइम बे टाइम खाते हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और अपनी दिनचर्या को नियमित करें। आयुर्वेद में बताया गया कि 13 तरह की अग्नि होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जठराग्नि, यानी कि पेट की अग्नि। तो ये जो जठराग्नि है, सुबह 9 से 10 बजे तक पूरी तरह प्रदीप्त रहती है। तो उस वक्त आप ज़रूर खाएं और जितना आपको भूख है उतना खाएं। और ये जो दूसरी है मंदाग्नि, ये सूर्य ढलने के बाद मंद पड़ जाती है, इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है कि सूर्य ढलने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इसमें आयुर्वेद के मतानुसार सबसे बड़ा बचने का कारण है लंगन, यानी कि व्रत, उपवास। यानी कि आप, अगर आपको IBS की समस्या है तो आप उपवास करें। अगर आपको प्यास लगती है तो ही पानी पिएं, अगर आपको भूख लगती है तो ही खाना खाएं। इसमें खाने में आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो कि आपको हजम नहीं होती या बदहजमी करती है। कई बार कुछ भी खाते ही आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार दूध पीते ही आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार कुछ खाने के बाद आपको कब्जी हो जाती है और आपको फ्रेश होने में काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, कई बार 20 मिनट, कई बार आधा घंटा। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी बात जो खास ध्यान रखनी है वो है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसी पे आपका फोकस होना चाहिए, उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो कई लोग अखबार लेके जाते हैं और घंटा आधा घंटा अखबार लेके बैठे रहते हैं, या कुछ लोग मोबाइल लेके जाते हैं, काफ़ी देर तक वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका पेट साफ नहीं होता। अगर आपका पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो आपको बड़ा फ्रेशनेस फील होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को आपका खास ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे बचने के लिए, अगर आपको बदहजमी रहती है या खाना पचता नहीं है, तो इसके लिए आपको सबसे बड़ा उपाय ये करना है कि एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी काली मिर्च और बटर मिल्क यानी कि छाछ में मिलाकर इस्तेमाल करना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं और इससे आपको पेट को, गर्मी को कम करना है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आपकी पेट की गर्मी को कम करें। इसके अलावा आप मूंग की दाल का पानी ले सकते हैं या चावल का पानी ले सकते हैं, चावल की मांड का पानी ले सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको इसमें फ़ायदा करेंगी। जब भी किसी पेशेंट को IBS होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनके काफ़ी सारे टेस्ट कराते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, KFT, LFT, CBC, ESR, यूरिन। जब सारे टेस्टों की रिपोर्ट्स आती है तो ये नॉर्मल होती है, इसमें किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं पाई जाती, क्योंकि IBS जानलेवा बीमारी नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि IBS में वज़न कम होना शुरू हो जाता है, कई बार महीने में 5 से 10 किलो वज़न हो जाता है, कई लोगों में 30-35 किलो तक भी वज़न गिरा है या कम हुआ है, तो वो लोग घबरा जाते हैं
कि वज़न कम क्यों हो रहा है। तो इसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत ये है कि आपको आपके वज़न को कंट्रोल करना है, इसके लिए आप एक्सरसाइज और योग कर सकते हैं, और खाने पीने में विशेष तौर से जो आपको बताया गया उसका ध्यान रखें, व्रत या उपवास करते हुए खाएं। अगर आप बिना प्यास के पानी भी पीते हैं तो भी आपको नुकसान कर सकता है, बिना भूख के खाना खाते हैं तो भी आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी भी तभी पीना है जब प्यास लगे, खाना भी तभी खाना है जब आपको भूख लगे। इसके अलावा भी अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को इस किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से परामर्श ले सकते हैं, जो भी उचित परामर्श होगा वो आपको दिया जाएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।